दोस्तों, आज मैं आपको भारत की चहेती शख्सियतों की कुछ दुर्लभ तस्वीरें दिखाने वाली हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ये सुभाष चंद्र बोस और एडोल्फ हिटलर की तस्वीर है। ये फोटो तब ली गई थी जब नेताजी भारत की आजादी के मामले में मिलिट्री सहायता के लिए हिटलर से मिले थे। ये तस्वीर तब ली गई थी जब रविंद्रनाथ टैगोर पहली बार आइंस्टाइन से मिले थे। दुनिया में चल रही लड़ाइयों को लेकर दोनों के बीच विस्तार से चर्चा हुई थी। इस तस्वीर में इंडिया के जाने माने बिजनेसमैन रतन टाटा अपने पिता नवल टाटा और अपने सुतेले भाई नोएल टाटा के साथ हैं। इस तस्वीर में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी अपनी दूसरी पत्नी सविता अंबेडकर जी के साथ हैं। सविता अंबेडकर जी एक जानी मानी समाज सेविका थीं। इस तस्वीर में उस जमाने के सबसे मशहूर हास्य अभिनेता चार्ली चैपलिन और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं। चैपलिन गांधी जी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से काफी प्रभावित हुए थे। इस तस्वीर में आजाद भारत की पहली महिला पायलट सरला ठकराल हैं। ये तस्वीर तब ली गई थी जब वो महज 21 साल की थीं। ये तस्वीर राजीव गांधी और सोनिया गांधी के शादी के दिन की है। इसमें भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद हैं। ये तस्वीर नेताजी और उनकी पत्नी एमिली सैंकल की है। नेताजी से शादी करने से पहले एमिली उनकी सेक्रेटरी थी। इस तस्वीर में दिख रही लिखावट नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इस तस्वीर में मशहूर बिजनेसमैन धीरूभाई अंबानी अपने दोनों बेटे मुकेश और अनिल अंबानी के साथ बातें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये दुर्लभ तस्वीर भारत के जाने माने आध्यात्मिक गुरु स्वामी विवेकानंद जी की है। अमेरिका 1893 में विश्व धर्म सभा में दिए गए उनके भाषण ने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया था। ये तस्वीर भारत की वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी की है। इसे करीब 160 साल पहले जर्मनी के फोटोग्राफर हुफमैन ने लिया था। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी और सोनिया गांधी के साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। ये तस्वीर भारत के जाने माने वैज्ञानिक प्रोफेसर सीवी रमन की है। ये भारत के दूसरे व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। इस तस्वीर में भारत के राष्ट्रपिता गांधी जी और भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली इंदिरा गांधी हैं। इस तस्वीर में नोबेल पुरस्कार विजेता रविंद्रनाथ टैगोर अमेरिकी लेखक हेलन किलर के साथ हैं। हेलन किलर ना ही सुन सकती थी और ना ही देख सकती थी। ये तस्वीर 1953 की है जब पंडित जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी चार्ली चैपलिन से मिले थे। इस तस्वीर में चार्ली चैपलिन और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एक दूसरे से मिल रहे हैं। ये तस्वीर 1900 में ली गई थी जब गांधी जी साउथ अफ्रीका में थे। उस समय भी गांधी जी वहाँ भारतीयों और अफ्रीकी लोगों के साथ रंग भेद की नीति के खिलाफ आंदोलन कर रहे थे। इस तस्वीर में गांधी जी लुई माउंटबेटन के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये तस्वीर भारत की आजादी से कुछ दिन पहले ली गई थी। इस तस्वीर में शहीद आजम भगत सिंह जी लाहौर कॉलेज में अपने कॉलेज साथियों और प्रोफेसर के साथ हैं। इस तस्वीर में पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी रशिया की राजधानी मॉस्को में मेट्रो की सवारी करते नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर को 1955 में लिया गया था। इस तस्वीर में गांधी जी, नेताजी और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर 1932 में ली गई थी। ये तस्वीर
नेताजी की जवानी के दिनों की है। इसमें वो महज 14 साल के हैं। इस तस्वीर में पंडित नेहरू एडविना माउंटबेटन के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में महाराजा रंजीत सिंह अपने समर्थक और कुछ अंग्रेजी अफसर के साथ हैं। उन्हें शेरे पंजाब के नाम से भी जानते हैं। उन्होंने सिख साम्राज्य को काबुल तक फैलाया था। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी अपने परिवार के साथ नजर आ रही हैं। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी अपनी दोनों बहू मेनका और सोनिया गांधी के साथ पेरिस में शॉपिंग करती हुई नजर आ रही हैं। ये आखिरी बार था जब अंग्रेजों ने नेताजी को गिरफ्तार किया था। इस तस्वीर में गांधी जी अपने अनुयायियों के साथ नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में भारत के आखिरी गवर्नर जनरल सी राजगोपालचारी लेडी माउंटबेटन को गले लगाकर विदाई दे रहे हैं। ये राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या के बाद अदालत में चल रहे मुकदमे का दृश्य है। इसमें नथुराम गोडसे के साथ और भी लोग बैठे हुए हैं। ये शहीद आजम भगत सिंह जी की जेल के आखिरी दिन की तस्वीर है। फांसी चढ़ने से कुछ पल पहले तक भी उनके चेहरे की हंसी देखने लायक थी। इस तस्वीर में पंडित नेहरू इंदिरा गांधी के साथ नजर आ रहे हैं। ये तस्वीर भारत के मशहूर प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जवानी के दिनों की है। ये तस्वीर भारत के मशहूर समाज सेवक अन्ना हजारे की है, जब वो भारतीय सेना में थे। इस तस्वीर में मशहूर पॉप सिंगर माइकल जैक्सन शिवसेना के संस्थापक बाला साहेब ठाकरे के साथ हैं। यहाँ आप अपने चहेते क्रिकेटर्स की बचपन की तस्वीर देख सकते हैं। ये भारत की कोकिला लता मंगेशकर जी की जवानी के दिनों की तस्वीर है। दुनिया के मशहूर मुक्केबाज मोहम्मद अली और भारत के मशहूर सिंगर मोहम्मद रफी एक दूसरे के साथ पोज करते हुए, ये तस्वीर 1975 में ली गई थी। इस तस्वीर में इंदिरा गांधी अपने बेटे संजय और राजीव गांधी के साथ नजर आ रही हैं। ये तस्वीर भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की है, जब वो बंगाल की राजनीति में प्रसिद्ध हुए थे। ये तस्वीर मशहूर फिल्म अभिनेता अमिताभ बच्चन के बचपन के दिनों की है। इस तस्वीर में नेताजी जापान के सम्राट के साथ टोस्ट करते नजर आ रहे हैं। हमारे यहाँ कहावत है ना, आज की शाम एक जाम आपके नाम। तो दोस्तों, ये सफर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगली बार आप क्या देखना पसंद करेंगे, मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें।